दिन कुछ ऐसा हुआ है कि बाइक हो गई है बंद और यहाँ पर थोड़ा लेग किया जा रहा है कि कोशिश करते हैं। हाँ हाँ धीरे धीरे बढ़ाऊँगा ना। सो बस ये है कि स्टार्ट हो जाए बाइक। क्या ओ बाइक स्टार्ट हो गई है, बहुत अलग ही खुशी हो रही है क्योंकि राइड स्टार्ट करे हुए हमको सिर्फ 35 किलोमीटर हुए थे और उसी के बीच में बाइक हो गई थी बंद। तो अब ये है कि ऐसे ही चलते जाएं। अब मनु ले जाएगा मेरे को पता है, अब ये नहीं रुकने वाला। सो कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, हमारे साथ है ऊपर वाला। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि यार क्या हो गया ये, और बाइक बंद हो गई है, ऊपर से इतना थोड़ा गर्मी भी शुरू हो गई है। बट एनीवे अब सब ठीक हो गया, मनु जा रहे हैं बिल्कुल सामने सीधा। हमारे कुछ लवली फेसेस जो कि मतलब आप खुशी देख सकते हैं इनके चेहरे पे, मस्त मजा आ रहा है, बोलो हाय। क्या बात है, क्या बात है। इनकी एक अलग खुशी होती है, मस्त, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना एक नंबर हैप्पीनेस। बट इसमें एक चीज़ और भी होती है, ये नहीं कि सिर्फ इनकी तरफ ही ध्यान दो, गाड़ी के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि चीज़ें होती है कि हमारा पूरा ध्यान इन पे चला जाता है बट इधर उधर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना, इनकी भी खुशी है हमारी भी खुशी है, तो चलिए अब निकला जाए। ये फिर दोबारा लवली फेसेस, इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है, जिस तरह हम पहले गाड़ी में पीछे बैठ के जाते थे, एक अलग व्यू आता है पीछे बैठ के, जो पीछे देखा जाता है, मतलब आगे का तो आते ही है बट अगर पीछे का देखा जाए मस्त मज़ा आता है, मस्त मज़ा। हम भी ऐसे बैठते थे, मैं और मेरी सिस्टर, मैं उस साइड बैठता था, मेरी सिस्टर इस साइड बैठती थी, और पीछे बहुत कभी कभी तो लड़ाई हो जाती थी कि नहीं मैं इस साइड बैठूंगा। लोगों का, इन बच्चों का, सबका एंटरटेनमेंट होना चाहिए यार। एक ट्रिप पे आए, ये भी एक ट्रिप याद रखें कि हम जब जा रहे थे तो एक बाइकर
आपका अनुज। जो आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस आएंगी आपके पास। अनीश का लुक एक अलग ही आता है बाइक चलाते हुए, और पीछे मनु बैठे हैं, उनकी कमर में दर्द है। पहले जोशी थे, अब मनु है, मतलब चीज़ें है ना ऐसी चलती रहती है। हर ट्रिप में एक ना एक बंदा ज़रूर ऐसा होता है जिसकी कमर में हमेशा दर्द होता है। यार बैक पेन हो रहा है, और बैक पेन हो रहा है। मनु कुछ कहना चाह रहा है बट मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए इंटरकॉम ज़रूरी होता है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब उसको सेंटर में रखना है। ठीक है ठीक है, ओके डन। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना, चलो ओके डन। अबे भाई तू चल, तो रुकने का पहले रुक जाता तू। अभी कितना चले, ज्यादा भी नहीं चले, चलो 25 किलोमीटर आए बस। लेट्स गो लेट्स गो भाई, चल। है गोप्रो पे लगा रखा था मैंने। है हाँ तू चला लियो, मैं उस पर लगा लूँगा। उस पे चार्ज नहीं होता? वो होता तो मेरे को टेंशन ही नहीं। इस पे भी नहीं होता? चल कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ जा तू, मेरे को पता है तेरी कमर में दर्द हो रहा है। आ तेरी कमर, तो फर्स्ट स्टॉपेज हुआ है हमारा खतौली में, और इसका नाम है शीतल ग्रैंड। है शीतल ग्रैंड। सो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है, अच्छा है वैसे, नीट एंड क्लीन है। सो ब्रेकफास्ट हो गया है, टाइम हो रहा है अभी 8:24, 8:24। बाइक चल चुकी है अभी 95.7 किलोमीटर, तो अभी निकल चुके हैं फिर दोबारा अपनी मंजिल की ओर। वीडियो पे बने रहिए, बाकी आगे वीडियो देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है आपके पास।